तो कैसे हो भाई सब, क्या हाल चाल है? तो जैसा कि आपने इसके अंदर जो इंट्रो था वो देखा, तो इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ मेरी फर्स्ट फ्लाइट के बारे में। तो जब मैं माल्टा के अंदर पहली बार आया था तो जर्मनी के थ्रू आया था मैं, तो आपको एक्सपीरियंस बताऊंगा कि कैसा था, इमिग्रेशन कैसे हुई, डॉक्यूमेंटेशन जो मैं लेके चला था मेरे साथ क्या क्या लेके चला था और क्या क्या क्वेश्चनिंग हुई और कैसा मेरा एक्सपीरियंस था। तो ये वीडियो भाई बहुत ही ज़्यादा पुरानी है, तो एक डेढ़ साल पहले मैंने बनाई थी। तो वीडियो के अंदर शायद आपको क्वालिटी उतनी अच्छी ना मिले या फिर बैक कैमरा से ही शूट कर रखी है, तो आप इसको मैनेज करना, लेकिन इसको बिल्कुल ध्यान से सुनना, आपको सभी चीज़ों का पता लगेगा क्या क्वेश्चनिंग थी और जो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होता है वो कैसा होता है। तो मैं भी नया था बिल्कुल, मुझे भी कुछ भी नहीं पता था उस टाइम पे, तो आपके साथ शेयर करने वाला हूं वही एक्सपीरियंस। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब इस वीडियो करते हैं स्टार्ट, मैं हूं सचिन, आप देख रहे हैं सचिन वर्मा चैनल। चलिए इस वीडियो करते हैं स्टार्ट और आपको दिखाता हूं मेरा पुराना व्लॉग। सो गाइस, अभी जो आपने एरिया देखा भाई, ये है हमारा ड्यूटी फ्री एरिया दिल्ली एयरपोर्ट का। तो अभी मैं अपना जो चेक इन है इमिग्रेशन सब क्लियर करके यहाँ पे बोर्डिंग गेट पे आ चुका था। तो अभी बात करते हैं जो स्टोरी स्टार्ट हुई कि कैसे मैंने क्या किया। सबसे पहले तो जैसे मैंने एयरपोर्ट के अंदर एंट्री की थी भाई, तो उस टाइम पे हमें सबसे पहले देखना था अपना जो चेक इन काउंटर है वो। तो आप भी जब आओगे तो आपको सबसे पहले सर्च करना है अपना चेक इन काउंटर, और अगर आपने जो चेक इन है वो पहले कर रखा है ऑनलाइन, आपने अगर वेब चेक इन कर लिया, आपका बोर्डिंग पास आ चुका है, तो आप अपना जो बैगेज ड्रॉप है उसके लिए आप चेक इन काउंटर पर जा सकते हो। और बैगेज ड्रॉप के लिए आपको जो है स्पेशली एक अलग से लाइन मिल जाती है। तो मेरी जो फ्लाइट थी लुफ्तांसा से आया था मैं, और जो फ्लाइट थी उसकी कॉस्ट 85,000-86,000 ऐसा कुछ आई थी, क्योंकि उस टाइम पे कोविड चल रहा था। तो मैंने जैसे ही अपना चेक इन काउंटर ढूंढा तो मैंने जाके वहाँ पे अपना चेक इन किया, तो उन्होंने भाई लुफ्तांसा के काउंटर पे, ये आपको लुफ्तांसा के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैं दूंगा, तो लुफ्तांसा के काउंटर पे जैसे ही मेरी जो टर्न थी वो आई, तो उसने बोला, एक उसने सीनियर को बुलाया, उसने बोला कि देखना सर ये माल्टा जा रहा है। तो वो बोला फिर कि डॉक्यूमेंट चेक करो, अगर माल्टा जा रहा है तो मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ करके। तो उस वो लड़का सा था एक 26 या 27 इतनी एज थी उसकी शायद। तो उसने अपना चेक इन से पहले मेरे से क्वेश्चन पूछे कि क्यों जा रहे हो, किस कॉलेज में जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, क्या चीजें हैं ऐसे सब, आपका इंश्योरेंस कहाँ है, आपकी फीस रिसीट कहाँ है, ये सब बहुत सारी चीजें उसने मेरे से पूछी। तो मैं प्रिपेयर था, मुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी क्योंकि हमारे पास सब चीजें थी। तो मेरे से उसने ये चीजें पूछी। वैसे नॉर्मली चेक इन काउंटर पे उनका इतना जो ड्यूटी है वो इतनी होती नहीं ये सब चीजें पूछने की, ये काम जो इमिग्रेशन काउंटर है उस पर होता है, लेकिन वो फिर भी पूछते हैं। लुफ्तांसा का ऐसा ही है, वो लुफ्तांसा पे पूछ लेते हैं कई बार वो। तो उन्होंने ऐसा पूछा, उसके बाद उन्होंने थोड़े बहुत देखे, वीजा चेक किया, पासपोर्ट पे सब चीजें चेक करके, और उसने मेरी 15 मिनट तो लगाई दी थी, 10-15 मिनट। तो आपको घबराना नहीं है भाई, बिल्कुल भी, कॉन्फिडेंट रहो पूरा। अगर आप लुफ्तांसा से आ रहे हो तो कॉन्फिडेंट रहो आप, क्योंकि वो कहीं भी कुछ भी बोल देते हैं। मेरा एक फ्रेंड था, उसकी इमिग्रेशन वेब चेक इन सब चीजें हो गई थी और सब चीजें क्लियर करके वो बोर्डिंग गेट पे गया, और बोर्डिंग गेट पे जाके जो लुफ्तांसा वाले जो एम्प्लॉय थे जो भी थे वहां पे, वो बोले कि वीजा वेरीफाई करवाओ, उसको भाई चढ़ने दिया वहीं से। उसको वीजा वेरीफाई करवाने के लिए वो टिकट खराब करनी पड़ी और उसको दूसरी टिकट करवा के फिर आना पड़ा। तो लुफ्तांसा का तो ऐसा ही है। तो अगर आप लुफ्तांसा से आ रहे हो तो आपको जो है पूरा कॉन्फिडेंट रहना है, और जो भी पूछे अपना फटाक से जवाब दे दो जैसा बोलते हैं। तो अपने जो प्रिपेरेशन है, जो आपने एम्बेसी के लिए क्वेश्चन प्रिपेयर किए, वो अपने पूरे याद रखना, कॉलेज की डिटेल्स और सब, जो हॉस्टल का है, जो फीस वीस है, कोर्स के नेम, सब चीज़ें अपनी तैयार रखो, आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस है, ये सब चीज़ें। तो अभी हमारा जो टेक ऑफ टाइम था वो हो चुका था, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो वीडियो को, आई होप आप इंजॉय कर रहे हो। तो अभी बारी आई थी चेक इन काउंटर की। चेक इन के बाद, तो जैसे चेक इन हो जाता है, चेक इन के बाद हमें जाना था इमिग्रेशन काउंटर पे। तो मुझे एक दो और मिल गए थे फ्रेंड वहाँ पे जो माल्टा ही जा रहे थे, तो ऐसे ही मिल जाता आपको कोई ना कोई। तो अभी मेरे साथ था एक और बंदा, तो वो बोला कि हम इकट्ठे चलते हैं, कोई बात नहीं। तो मैं वैसे थोड़ी देर जब आगे गया तो उसकी जो फ्लाइट थी वो मुझे पता चला कि इसकी थोड़ी सी अलग फ्लाइट है, क्योंकि वो म्यूनिख से जा रहा था और मैं जा रहा था उसे फ्रैंकफर्ट से, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस हुआ। तो उसके बाद जब मैं अपने जो इमिग्रेशन काउंटर था, मैंने देखा भाई 30-35 काउंटर इसकी जो इमिग्रेशन की है, तो 30-35 काउंटर वहाँ पे आया। तो किसी ने मुझे बोला कि इनमें से किसी भी काउंटर पे आपको जाना है, किसी पे भी जा सकते हो आप। तो मैंने देखा कि कौन सा काउंटर जल्दी मूव कर रहा है और ये सब चीज़ें मैंने चेक करके, और मैं अपना चला गया इमिग्रेशन काउंटर पे। तो उन्होंने इतना कुछ खास नहीं पूछा, उन्होंने सिर्फ पूछा कि क्यों जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, कौन सा कोर्स है। तो ये दो तीन चीज़ें पूछी उन्होंने और अपना स्टैंप लगा दिया। इमिग्रेशन, लोग बोलते हैं कि इमिग्रेशन ज़्यादा जो स्ट्रिक्ट होती है कि इमिग्रेशन वाले आपको रोकते हैं, लेकिन इमिग्रेशन इतनी नॉर्मल थी, इमिग्रेशन वालों ने कुछ नहीं पूछा। तो आप अभी इंजॉय करने वाले हो टेक ऑफ, अभी आप देख रहे हो। तो मेरी जो फ्लाइट थी वो 3:30 कुछ इतना था टाइम, 3:30 या 4 AM के आसपास थी, तो इसीलिए आपको अंधेरा दिखेगा, और जो विंडो सीट थी वो भी अवेलेबल नहीं थी भाई, तो इसीलिए थोड़ा सा ऐसे ही मैंने जो है वीडियो बनाई, क्योंकि यहाँ पे एक
एक लेडीज बैठी थी और उसके साथ उसका लड़का भी था, तो वो दोनों बैठे थे, इसलिए मुझे जो है विंडो सीट पे बैठने का मौका नहीं मिला उस टाइम पे। लेकिन उसके बाद मैंने जितनी भी जगह ट्रैवल किया विंडो सीट पे ट्रैवल किया है। तो अभी क्या था, इमिग्रेशन जैसे ही क्लियर हुई तो मैं अपने बोर्डिंग गेट पे आ गया था, जैसा कि आपने देखा। तो ये वाला जो स्टेज थी, ये वाली स्टेज अच्छे से कंप्लीट हो चुकी थी। तो उसके बाद मुझे पता था कि मैं जब फ्रैंकफर्ट उतरूंगा तो मेरी जो इमिग्रेशन है इमिग्रेशन फ्रैंकफर्ट में ही होगी। क्योंकि आपको बता देता हूँ, आपको कंफ्यूजन रहता है कि अगर आप शैनिगन एरिया के थ्रू आ रहे हो, जैसे अगर आप टर्किश एयरलाइन ले रहे हो तो आप तो शैनिगन से बाहर हो उस टाइम। तो अगर आप शैनिगन एरिया के थ्रू आ रहे हो माल्टा में, जैसे कि फ्रैंकफर्ट से आ रहे हो या फिर एम्स्टरडेम से आती है फ्लाइट, केएलएम है, जैसे केएलएम रॉयल डच वो उससे आती है एम्स्टरडेम से, तो नीदरलैंड के अंदर है वो भी शैनिगन के अंदर है, या फिर आप आ रहे हो इटली के थ्रू आ रहे हो आप, या फिर आप फ्रांस के थ्रू कहीं से भी आप आ रहे हो भाई, किसी भी अगर शैनिगन कंट्री से आप आ रहे हो तो वहां पे आपकी सबसे पहले जैसे आप उतरोगे तो आपकी इमिग्रेशन वहां पे हो जाएगी। उसके बाद माल्टा के अंदर आप डोमेस्टिक फ्लाइट से आओगे, आपकी कोई इमिग्रेशन कुछ भी नहीं होगा। तो अगर आप आते हो टर्किश एयरलाइन से या फिर किसी दूसरी एयरलाइन से जो शैनिगन एरिया के अंदर स्टे नहीं करेगी, जैसे एमिरेट्स है वो दुबई के अंदर करती है, तो आपकी माल्टा के अंदर आने के बाद भी इमिग्रेशन होगी और दुबई के अंदर भी होगी। अगर आप जो एमिरेट्स है उससे आ रहे हो तो आपकी दो तीन जगह फिर इमिग्रेशन होगी, और अगर आप आ रहे हो जो शैनिगन जोन से तो आपकी वहीं पे जिस कंट्री के अंदर आप एंटर करोगे सबसे पहले, जैसे जर्मनी के अंदर करोगे या फिर जहां भी आप एंटर करोगे वहीं पे आपकी जो इमिग्रेशन है वो हो जाएगी, तो आपको दोबारा इमिग्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर। तो अभी बात आती है यहाँ पे फ्रैंकफर्ट के अंदर। तो फ्रैंकफर्ट के अंदर जब मैंने लैंडिंग की तो सुबह का टाइम था, कुछ यही 2-3 बजे थे यहाँ पे, तो 2-3 बजे कुछ इतने मैंने लैंडिंग की, तो देखा कि एयरपोर्ट आधे से ज्यादा एयरपोर्ट खाली था। अब भी आपको आगे दिखेगा वो भी एयरपोर्ट का जब लैंडिंग होगी। तो उस टाइम पे मुझे क्या करना था, मुझे अपना जो गेट आगे वो देखना था कहाँ पे मुझे जाना है। तो जब मैंने गेट सर्च किया था, गेट से पहले इमिग्रेशन थी, तो इमिग्रेशन क्लियर करनी थी भाई। उस टाइम पे काउंटर बिल्कुल भी खुले नहीं थे, काउंटर एक दो ही खुले थे बस वहाँ पे, क्योंकि काउंटर तो बहुत थे। फ्रैंकफर्ट का एयरपोर्ट तो बहुत बड़ा है, आपको अभी दिखेगा। तो अभी हमारी जो गुड मॉर्निंग थी वो हो चुकी है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि गुड मॉर्निंग हुई फ्रैंकफर्ट के अंदर, और अभी जल्दी ही आप देखोगे लैंडिंग। तो अभी क्या था, काउंटर कुछ ही खुले थे, तो उन्होंने पहले बोला कि नीचे जाओ, नीचे काउंटर खुले हैं। तो भाई जिस लाइन के अंदर हम लगे थे उस लाइन से निकल के हम नीचे गए जल्दी करवाने के चक्कर में इमिग्रेशन। तो नीचे गए तो बोले कि नीचे तो काउंटर बंद है, ऊपर जाओ। फिर से दोबारा उसी लाइन के अंदर पीछे से लगना पड़ा। तो जब आपने देखा यहाँ पे कि अभी लैंडिंग हो चुकी है, तो हम अभी फ्रैंकफर्ट के अंदर थे। तो फ्रैंकफर्ट आप देखो, ये वाला जो एयरपोर्ट है भाई बहुत ही ज्यादा बड़ा है, आपको बिल्कुल यहाँ पे मजा आने वाला है। आपको बिल्कुल हर मिनट हर सेकंड जो लैंडिंग है और जो टेक ऑफ है वो यहाँ पे दिखेगा, बिल्कुल बड़े बड़े प्लेन है। जो मेरा प्लेन था वो भी बोइंग 777-700 था शायद, उसके अंदर तीन सीट की तीन लाइन थी, तो वो 2-स्टोरी था शायद उसके अंदर, तो अच्छा सिस्टम था। यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये वाले बिल्कुल बड़े बड़े हैं, जो डबल इंजन होते हैं एक विंग पे, तो वो वाले थे। तो अभी क्या हुआ, ऊपर उस लाइन के अंदर दोबारा फिर से लगे, तो वो तो भाई आप बोल सकते हो कि 3 बजे की बात थी, तो वो तो सब नींद में ही लग रहे थे जो इमिग्रेशन काउंटर पे थे। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, उन्होंने पूछा कहाँ जा रहे हो बस, और स्टैंप लगा के दे दी बस, क्योंकि वो आपके लक पे डिपेंड करता है कि आपसे वो कुछ पूछे या ना पूछे। क्योंकि उस टाइम पे क्या था, भीड़ ज्यादा थी और एक दो काउंटर खुले थे, तो वो बस एक थोड़ा सा चेक करके वीजा चेक किया उन्होंने और बस स्टैंप लगा दी सीधा, तो उसमें ज्यादा इशू कुछ नहीं आया था। तो जैसे मेरी वहां पे इमिग्रेशन क्लियर हुई तो मुझे बस ये कंफर्म हो गया था कि अभी माल्टा के अंदर कुछ नहीं होने वाला है, तो अभी हम सेफ है। क्योंकि अगर आपकी एक बार शैनिगन जो जोन है, शैनिगन जोन उसके अंदर अगर आपकी इमिग्रेशन हो जाती है, तो अभी जैसा कि आपने देखा ये डिस्प्ले थी जो इस पे आपको अपना काउंटर चेक करना, और उसके बाद मैं गया फ्रैंकफर्ट के अंदर डोमेस्टिक टर्मिनल पे, क्योंकि आपको चेंज करना पड़ता है टर्मिनल यहाँ पे ट्रेन से। तो डोमेस्टिक टर्मिनल पे मैं गया और उसके बाद मेरी लोकल फ्लाइट थी, उसके अंदर कोई इशू नहीं आया, तो ये ऑटोमेटिक थी ये ट्रेन भी, इसके अंदर कुछ नहीं था, तो अपने आप चल रही थी, ठीक है, बस इसके अंदर अच्छा सिस्टम था। तो अभी यहाँ पे हम ट्रैवल कर रहे थे डोमेस्टिक पे, क्योंकि ये एयरपोर्ट बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, तो यहाँ पे इन्होंने मेट्रो वेट्रो सब लगा रखी है। तो अभी क्या था, मुझे कंफर्म हो गया था कि जो मेरी जो क्या बोलते हैं उसको इमिग्रेशन है वो हो चुकी है, तो अभी हम सेफ है, क्योंकि दोबारा इमिग्रेशन होनी नहीं थी, तो कोई इशू नहीं आता था। आता है तो मेरे 3 घंटे की जो लेवर था, स्टे था मेरा, जो 3 घंटे में से मेरा 1.5-2 घंटे तो लगी गई थी उसमें, जो इमिग्रेशन सब क्लियर हुई, क्योंकि उसके अंदर टाइम लग गया था सुबह सुबह, तो 1 घंटा बचा था। तो मैंने अपना बोर्डिंग गेट पे वेट किया माल्टा की फ्लाइट के लिए, जो आपको लास्ट में सीन भी दिखेगा। तो अगर मुझे माल्टा एयरपोर्ट की कोई क्लिप मिली तो आपको जरूर से जरूर दिखाऊंगा मैं वो भी। तो ये जो व्लॉग है इसके अंदर मैंने ये फ्रैंकफर्ट तक ही शूट किया था, क्योंकि उसके बाद मेरी जो वीडियो जो सब भाई एक मेमोरी कार्ड के अंदर है और घर पे है, तो अभी वो वाली जो वीडियो है वो मैं अभी आपको नहीं दिखा सकते इसके।
अंदर। तो मैंने दोबारा भी ट्रैवल किया, 2-3 बार माल्टा से बाहर भी गया हूँ मैं, और अभी कल भी जा रहा हूँ मैं दोबारा, अगर आपको नहीं पता है तो कल मैं जा रहा हूँ इटली भाई, एक ट्रिप के लिए जा रहा हूँ, एक छोटा सा ट्रिप है। तो आपको बिल्कुल अच्छे अच्छे व्लॉग वहाँ के मिलने वाले हैं, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मैं भूल गया था वैसे आपको पहले भी बताना था, लेकिन अभी याद आया। तो उन व्लॉग्स के लिए और इन्फॉर्मेशन के लिए इटली के अंदर जो मुझे पता लगेगा थोड़ा बहुत, क्या कुछ कल्चर है, कैसी चीज़ें हैं, उनके लिए आप जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लो, सचिन वर्मा चैनल को, आपको अच्छी अच्छी चीज़ें आगे मिलने वाली है। तो भाई इस वीडियो को भी लाइक कर लेना अगर आपको अच्छी लगे। तो अभी यहाँ पर बात आती है आगे, तो माल्टा का जो एयरपोर्ट है वो छोटा सा है, माल्टा के एयरपोर्ट पे आपको इतना कुछ इशू नहीं आएगा। अगर आपकी इमिग्रेशन पहले ही जर्मनी या फिर किसी दूसरी कंट्री के अंदर हो जाती है तो आप अपना सीधा बैगेज के लिए जाओगे, बैगेज क्लेम करोगे, और बैगेज क्लेम करते ही आपको क्या करना है, बस अपना बाहर एग्जिट करना है। और अगर आपको एग्जिट करने के बाद क्या करना है, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हो, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि आपको कैसे एग्जिट करने के बाद बस लेनी है, कैसे आप जा सकते हो अपनी जगह पे जहाँ पे भी आपको जाना है। तो एक छोटी सी वीडियो है, उसकी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो भी आप देख सकते हो। फर्स्ट डे इन माल्टा के नाम से एक वीडियो मैंने अभी बनाई थी, तो उसको आप देख सकते हो। तो अभी मैं जा रहा था अपनी फ्लाइट के लिए, क्योंकि ये बिल्कुल ज़्यादा बड़ा एयरपोर्ट है जैसा मैंने आपको बताया। तो मेरी फ़्लाइट जो है बिल्कुल दूर खड़ी थी भाई, जो मेरी फ़्लाइट थी तो जो रनवे था वो बहुत ही ज़्यादा दूर था, तो वहाँ पे ले जाने के लिए इन्होंने बस का यूज़ किया, और ये करते भी है बस का यूज़। तो ये थी भाई स्टोरी कि मैं कैसे आया। तो अच्छा है अगर आपको कॉन्फिडेंस है, आपके पास सारी चीज़ें हैं, कॉन्फिडेंस तो होना ही चाहिए, और नर्वस ज़्यादा होने की ज़रूरत नहीं है। तो अपने डॉक्यूमेंट पूरे रखो और कोई इशू नहीं आएगा, जो भी आपसे पूछे वो आप बता दो। तो ये सब चीज़ें थी। तो उसके बाद मैंने कई बार और भी माल्टा से बाहर भी ट्रैवल किया है, तो आपको मैं लास्ट में कुछ सीन दिखाने की कोशिश करूँगा अगर मुझे मिलता है, तो उसको आप जरूर से जरूर चेक करना। और अभी आप यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हो, मेरी जो बस है ये मुझे अपने जो एरोप्लेन है उसकी तरफ लेके जा रही है। तो आप इसको एंजॉय करो वीडियो, अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपसे मिलूंगा ऐसे एक नई वीडियो के साथ, और इसको लास्ट तक ज़रूर देखना। तो फाइनली भाई अभी हम हमारी फ़्लाइट की तरफ पहुंच चुके हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो लुफ्तांसा एयरलाइन, तो इसके अंदर तो ये कुछ स्टेयर्स ऐसे लगाई है। तो अभी इन्होंने जो है सबसे पहले सिग्नल दिया कि अभी गेट मत खोलना, तो अभी जो है ये कुछ तैयारी कर रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे। और भाई इसके अंदर जब मैं बैठा तो इसके अंदर भी एक सीन हुआ, वो भी आपको बताता हूँ क्या कुछ हुआ था। अभी तो हम वेट ही कर रहे थे भाई कि कब ये गेट खोलेगा, तो यहाँ पर भाई हर 1-2 मिनट के अंदर एक प्लेन लैंड कर रहा था, एक टेक ऑफ कर रहा था। तो भाई यहाँ पे आप देखो कितना बड़ा प्लेन है ये, तो भाई दिखने में भी बहुत ज़्यादा ही अच्छे लग रहे थे कुछ तो, और कुछ थोड़े से पुराने भी थे लेकिन बिल्कुल अच्छे लग रहे थे सारे। तो अभी फाइनली हमने जो है अपनी बोर्डिंग सब कंप्लीट हो चुका था, तो अभी हमने एंट्री की फ़्लाइट के अंदर। तो उसके बाद आप देखो थोड़ा सा आपको मैं दिखाता हूँ सीन एक और। तो ये थी मेरी कुछ ऐसी फ़्लाइट जहाँ पर आप देख रहे हो मैं ये अपना बोर्डिंग पास लेके और ये जा रहा था, और देखो ये कैसा ऐसा सीन था। लो जी पहुँच गया अपना डेस्टिनेशन पर, अपने फेवरेट फ्लाइट आज तक की लुफ्तांसा, देख सकते हो नया ज़्यादा है बिल्कुल, तो नया हर मौसम में बढ़िया हो रहा है।